वो प्लेन जा रहा है कि आ रहा है। गेट नंबर 11 से चेक इन करवाते हैं, उसके बाद प्लेन में। ये सारे लोग इस प्लेन में बैठेंगे जो लंदन जा रही है फ्लाइट। ये देखें प्लेन में जाने लगे हैं। अब ये देखें प्लेन सारा फुल है। थके तो नहीं है? तो जाते हैं 12 घंटे की फ्लाइट। अभी उतर के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी मैं हूँ कोलंबो में, अभी उठा था तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अभी फ्लाइट जो है मेरी 11 का डिपार्चर है, और आई थिंक 7 to 8 PM विल बी देयर इन लंदन इंग्लैंड। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद मैं रेडी होऊंगा, यहाँ से आके पैकिंग करूँगा अपनी, तो यहाँ से निकल जाऊँगा तकरीबन 10 o'clock। जाएंगे एयरपोर्ट गेट पे, जाएंगे बोर्डिंग है, उसके बाद फिर डिपार्चर। ये जी इन्होंने दिया था रूम, और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरा कैमरा बैग और ये हैंड कड़ी, इसमें मैंने शूज़ डाले हुए हैं क्योंकि शूज़ में चेंज करने पड़ते हैं। ये रूम इन्होंने दिया, अच्छा रूम है सिंगल पर्सन के लिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। ये है जी यहाँ का रिसेप्शन, ये वेटिंग एरिया। अभी यहाँ पे हम तकरीबन जो है 40 लोग रुके हुए हैं, क्योंकि कल कोई भी नहीं जा सका तो सबको रोक दिया। जो सिंगल पर्सन है ना कुछ, उनको इन्होंने उसके थ्रू भेज दिया जो जद्दा से फिर आगे ब्रिटिश एयरवेज पे। लेकिन मैं भी सिंगल था, मुझे यहाँ पे रूम दे दिया। लेकिन ये अच्छा हो गया रूम दिया है, क्योंकि मैं फ्रेश हो गया हूँ, जो 3-4 दिन से सोया ना थकावट थी वो ख़त्म हो गई है। सो अभी अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ये कुछ है एयरपोर्ट का व्यू, ये देखें वो प्लेन जा रहा है कि आ रहा है। अभी ये फ्लाई दुबई का प्लेन है, और एमिरेट्स है। एमिरेट्स अभी आया आई थिंक, सुबह तो नहीं था। इसके अलावा और भी हैं। ये एयरपोर्ट का व्यू है। अभी मैं फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो जो इजाज भाई है मेरे साथ। अभी हम जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ये जी है आज का ब्रेकफास्ट, इधर राइस है, चिकन मोई दाल, रोस्ट सैंडविचेस हैं, और जूस, और ये बटर जैम, ये ऑप्शन है आज की। ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ, सामान पकड़ेंगे, रेडी होंगे और बोर्डिंग करवा के इंशाल्लाह फिर फ्लाइट। ये देखें सामान जा रहा है, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से ये फ्लाइट में सामान जा रहा है। सो गाइस, आई एम रेडी टू गो फ्रॉम कोलंबो टू लंदन। 10 o'clock हो गए हैं, सो अभी निकलना बनता है यहाँ से, रूम छोड़ेंगे और इसके बाद आगे की तरफ। तो मिलते हैं नीचे बोर्डिंग एरिया में। अभी मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ। ये जज भाई मेरे साथ साथ हैं, इनकी कंपनी अच्छी रही। गेट जो है गेट नंबर 11 से जाना है, चेक इन हो गया शुरू। सो गेट नंबर 11 से चेक इन करवाते हैं, उसके बाद प्लेन में। दैट्स गेट नंबर 11। अभी हम जी रेडी हैं प्लेन में बैठने के लिए। सो ये प्लेन है, ये देखें इसमें जाना है। ये सारे लोग इस प्लेन में बैठेंगे जो लंदन जा रही है फ्लाइट। ये देखें उसके बाद वहाँ पहुँच के तकरीबन 11 hours की फ़्लाइट है टोटल। सो अभी प्लेन में सब बैठ रहे हैं, सो मैं भी जाने लगा हूँ प्लेन में। जाने लगे हैं। हेलो
ट्रेन में। तो अच्छा इन्होंने ना यार बड़ा एक इशू लगा है, लाइक जो पाकिस्तान से फ्लाइट आती है उसको लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड रहे थे उन्होंने भी यही कहा कि ये नेक्स्ट डे भेजते हैं या ये जो फ्लाइट जिस पे मैं जा रहा हूँ ये चली जाती है उस दिन, और ये फिर क्या करते हैं जद्दा वाली फ्लाइट पे करते हैं एडजस्ट, वहाँ से भी ब्रिटिश एडजस्ट करते हैं, तो ये बड़ा मसला बनता है लोगों के लिए। अब देखें कल हम आए थे, एक दिन का स्टे हुआ, एक दिन के स्टे के बाद अगले दिन यानी नेक्स्ट डे फिर ये भेजते हैं एक दिन होटल में रुकवा के, हालांकि ऐसे पहले नहीं बताया गया और जिसने भी टिकट करवाई उसने यही कहा कि पहले हमें पता ही नहीं था। तो खैर ये बड़ा इशू है, पर फाइनली हम अभी जाने लगे हैं, 11 o'clock बोर्डिंग हुई है, डिपार्चर तकरीबन 12 o'clock हम यहाँ से फ्लाई कर जाएंगे। रश बहुत है प्लेन में, ये फुल पैक है क्योंकि ट्रांजिट वीज़े जो ट्रांजिट आते हैं वो काफ़ी लोग हैं। अब ये देखें प्लेन सारा फुल है, निकलने लगे और 10 से 15 मिनट लगे। This afternoon in the cabin in charge is Aisha. I'm sure she and her charming crew will take good care of you. So I hope all of you make yourself comfortable, sit back, relax and enjoy the Sri Lankan hospitality. Hi, everyone. स्टार्ट होने लगी है प्लेन गोइंग बैक, हेड्स डाउन स्टे डाउन, द इमरजेंसी एग्जिट्स आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड आर इंडिकेटेड बाय द एग्जिट साइंस, योर क्रू विल नाउ शो यू द एग्जिट्स क्लोजेस्ट टू यू। ड्यूरिंग एन इवैक्यूएशन फॉलो द फ्लोर पाथ लाइटिंग टू द नियरेस्ट एग्जिट, to remove any high-heeled shoes before leaving the airport. Going for takeoff. ये टर्न करेगा वो सामने जो है लाइन वो है जी रन वे, यहाँ से तो ये देखें तो शीशा डर्टी है। काफी बड़ा एयरपोर्ट है, सफर आता हूँ आप इतना कोई नहीं रहा।